दोस्तों, हैदराबाद से मिली शर्मनाक हार के बाद केएल राहुल पर भड़क गए लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका, जिसके बाद केएल राहुल ने दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में पहले तो लखनऊ ने हैदराबाद को 166 रनों का टारगेट दिया, जिसे हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर बड़ी ही आसानी से 10 ओवर शेष रहते ही 10 विकेट से जीतकर इतिहास रचते हुए लखनऊ को बुरी तरह से हरा दिया और इस हार से लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। एक बार फिर उनका आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया और इस हार के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के एल राहुल पर भड़क गए और उन्हें बीच मैदान में खरी खोटी सुनाने लगे। उसके बाद के एल राहुल ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैच में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जैसे ही हार मिलती है तो कुछ लोग हजार सवाल खड़े कर देते हैं। इन्हें समझना चाहिए और खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। केएल राहुल ने ये सब लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के लिए कहा। दोस्तों, केएल राहुल के इस बयान के बाद से संजीव गोयनका को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वैसे इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।